ਕਾਫੀ ਸਬਾਤ ਦਾ

खमत है एक खसूस प्रोग्राम लेकर हजरत सुल्तान सुल्तान बाहू रुर्स के, के मौके पर ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर आपके लिए पेश किया जा रहा है चंद जुमले हजरत सुल्तानफी के तारफी खाके के और ये तारफ यकीन इसलिए है कि आप तक उनकी शख्सियत का कुछ अंदाज पहुंच जाए वरना उनका तारफ तो हम नहीं करा सकते और ना उनका जिक्र कहाकदा कर सकते हैं जिस तरह लोगों में मोहब्बत इलाही मोहब्बत रसूल सल्ला वसल्लम जिस तरह से पैदा की है आपने हजरत सुल्तान बाहू अलहमा का इसमें गिरामी सुल्तान मोहम्मद बाहू आपके वालद माजिद का नाम बायीद मोहम्मद है वो शहनशाह की तरफ से कोहिस्तान के मनसबदार थे कोहिस्तान से मुल्तान आकर एक आमत गुजी हुए मुल्तान से शोरकोट आ गए वहां उन्हें जागीरता हुई हजरत सुल्तान बाहू अल रहमा सोलह सो अट्ठाईस ईस्वी में शोरकोट में पैदा हुए कहते हैं कि आप मादरजात वली थे आपका चेहरा निहायत ही रोशन था आपके वालद आपके बचपन ही में इंतकाल फरमा गए आपकी इब्तदाई तालीम और तरबियत आपकी वालदा की निगरानी में हुई अयाम तफूलियत ही से आपसे करामात का जहूर हुआ आपकी वालदा ने आपकी जब ये कैफियत और हालत देखी तो किसी बाकमाल शेख से बैत होने की ताकीद फरमाई आप घर से तलाश मुशिद में निकल खड़े हुए हजरत शाह हबीब के कमाल सोवरी और मानवी का शोहरा सुनकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए उन्होंने फरमाया जिस नेमत के तुम मुस्तक हो वो हमारे पास नहीं है तुम हजरत शेख अब्दुलरहमान कादरी की खिदमत में जाओ और उनका दामन थाम लो आप तेली तशीफ लाए और हजरत शेख अब्दुलरम कादरी अमा के हाथ पर बैत की उनके जेर सा मदारज सलूक तय किए और खरका खिलाफत से सरफराज हुए और आपको वो नियमत हासिल हुई जिसकी तलाश थी सुल्तानुलफर और सुल्तान आपके खिताबात हैं आप मुशाह हक में मसरूर जमाल दोस्त में महब और अनवर इलाही की तजलियात में मुस्तरक रहा करते आप ने किसी तालीमी इदारे से बाकायदा तालीम हासिल नहीं की उसके बावजूद आप बहुत सी कुतुब के मुसन्फ भी हैं शायर भी हैं और दीवान बाहू और अबियात बाहू आपकी यादगार कुतुब हैं आप यकम जमादानी सन ग्यारह सो दो हिजरी को जवार रहमत पे दाखिल हुए आपका मजार अकदस शोर कोर्ट में मर जाए खलायक है आज की इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हमने जिन शख्सियात को दावत दी है और जो उलमा और स्कॉलर्स हमारे दरमियान तशीफ फरमा है तसव पर आपकी बड़ी गहरी नजर है बहुत ही आ, इल्मी फिक्री शख्सियत उलमा जिनका अदब और एहतराम करते हैं हजरत अलामा सईद शाह हुसैन गर्देजी साहब हमारे साथ तशीफ फरमा है मुमताज स्कॉलर बहुत खूबसूरत अंदाज गुफ्तू आपका कराची यूनिवर्सिटी से आप वाबस्ता हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तू करते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब हमारे साथ तशीफ फरमा है उनके साथ तशीफ फरमा है खुश आवाज खुश अंदाज सा जनाब जुल्फकार अली हुसैनी साहब मैं शाह हुसैन गर्देजी साहब जो हमारे साथ तशीफ वर्मा है उन्हीं से पहले आगाज में सवाल करना चाहता हूं कि किस तरह हम देख रहे हैं एक तो जो शख्सियात जिनका असर रसूख हमारे व आजहां पर है वो लोग शेर के जरिए अपनी कैफियात को मुंतकिल करते हुए दिखाई देते हैं आप यूं तो बहुत सी कुतुब के मुसन्फ़ हैं लेकिन अबियात आपकी उसकी असर अंगेजी जिस तरह की है वो बहुत कम है बिस्मिल्लम मैं आपका आपके सवाल का जवाब देने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ और या अल्लाह के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं एक असलाही तौर पर हजरत मुजदल्फानी रमत ने इस हवाले से जो गुफ्तू की है वो ये है कि एक होता है सालिक एक होता है मजसूब सालिक वो होता है कि जो मुसलसल मनाजिल तसवफ की जो तकवा रियाजत से और अपने शेख की सरबराई में तय करता हुआ जाता है और अपनी मंजिल पर पहुंचता है ठीक और मजसूब जो होता है वो उसको कहते हैं कि जो अपनी मंजिल से हम किनार हो जाते हैं अल्लाह जला जलाल जल वो उसको बगैर किसी के हवाले के उसको फैज बख्शता है उसको मजजूब कहते हैं ठीक मजजूब का ये मतलब नहीं जो हमारे उर्फ में मजजूब होते हैं इनको मजजूब कहा जाए जो सलूक यानी अल्लाह की इमारफत के जो तरीके हैं वो दो हैं एक सलूक से है और एक जज्ब से है ठीक है और हजरत सुल्तान बाऊ साहब रहमतल्ला ने भी इस तकसीम को कबूल किया है और ये भी हजरत मुजद अलफिसानी के आम असर थे सुल्तान बाऊ साहब रहमत तो इन्होंने उसको कबूल किया है और ये बात तकसीम का नाम अलग रखा है उन्होंने इस निस्बत को जज्ब वाली निस्बत को सरवरी कादरी के साथ ताबीर किया है ठीक और हमारे उर्फ में हजरत सूफिया कराम इस जज्ब की नस्बत को वैसी से ताबीर करते हैं ठीक के बाहल्ला ऐसे होते हैं कि उनको बरह रात हजरत अली रजी अल्लाह तु से फैजान प्वाइंट है बाज ऐसे होते हैं कि उनको हजरत नबी इस्लाम से बर रात जो है नाज फैज, फैज पॉइंट है ठीक तो उनको वैसी कहा जाता है हजरत सुल्तानफी सुल्तान भाई सुल्तान साहब रहमत वैसी नस्बत वाले हैं इन्होंने सलूक नहीं किया बल्कि बगैर सलूक के जज्ब के जरिए और वैसी नस्बत के जरिए इनको अल्लाह जला जलालू की मार्फत हासिल हुई तो ऐसी शख्सियत को वली कहा जाता है ठीक ठीक अब जो बात आपने की है मैं उसकी तरफ आता हूँ हजरात सूफिया इकराम जो होते हैं इनका सीना अल्लाह जला जलालू की मार्फत का गंजीना होता है और उससे जो बातें निकलती हैं तो कभी तो वो अशार के जरिए निकलती हैं कभी नसर में निकलती हैं हजरत मौलना जलाल रोमी रम्मत लल भी ऐसी एक शख्सियत थे कि जब उनके ऊपर कैफियत तारी होती थी तो वो अशार की सूरत में उनका जो अंदर के ख्याल हैं जो अंदर चीजें मख्फी हैं वो अशार के जरिए निकलती थी ठीक। तो हजरत सुल्तान बहू साहब रहमतल्लाय ने तकरीबन डेढ़ सौ से ज्यादा किताबें लिखी हैं और सारी की सारी किताबें उन्होंने तस्व पे लिखी हैं और अक्सर और बेहतर किताबों में उन्होंने औरंगजेब आलमगीर का जिक्र भी किया है कि ये उसके दौर के हैं औरंगजेब आलमगीर के तो शाहजहां के दौर में ये पैदा हुए और जो औरंगजेब आलमगीर का दौर है वो भी इन्होंने भरपूर तरीके से देखा तो हजरत सुल्तान बाऊ साहब रमत ने शायरी के जरिए अपने जो अंदर के अफकार थे जो ख्याल थे जो जहन में चीजें थी वो सारी की सारी उन्होंने किताब यानी किताबों के जरिए से भी नसर के जरिए से भी और नजम के जरिए से भी उन्होंने उनको आम किया है ठीक है अब जो उनकी नसरी किताबें जहरा वो तो सभी लोगों के लिए होती हैं लेकिन उनके शेर जो है एक तो पंजाबी जुबान में है और दूसरा यह है कि उनमें अवामीयत बहुत है यानी आवाम तक पहुंचने के लिए उन अशार की तशरी की जरूरत पेश नहीं आती अवाम उनका शेर सुनते हैं और उसका मफहम जो है वो समझते हैं तो इस तरीके से उन्होंने अपने अफकार और नजरियात जो अल्लाह की तोहद के बारे में थे जो मार्फत के बारे में थे वो उन्होंने अशार के जरिए वो पेश की अब आप यही देखें जो अभी इन्होंने पढ़े हैं उनके अशार पढ़े हैं तो इसमें देखें कितनी कशिश है और कितना जज्ब इसमें पाया जाता है कि जब आदमी सुनते हैं हम इसको हजारों मरतबा सुन चुके हैं लेकिन फिर जब सुनते हर है, हर, हर है हर सुन हर वक्त बार एक कॉलर भी हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलम सुल्तान रॉक बात कर रहा हूँ शोरकोट सिटी से जी कामरान साहब शोरकोट से शोरकोट से वाह वाह माशा तो बात ये थी आपने जो तारफ किया शोरकोट शहर में उनके वालदेन का बाजार शरीफ है और 18 किलोमीटर दूरगढ़ महाराजा में सरकार सुल्तान बाबू रहमतल्लाह दूसरी तहसील में ठीक फरमाया तो जो आपने फरमाया था कि उनको जो सलूक की मंजिलें तय हुई ये कहा जाता है सरकार के बारे में जब बचपन में हजरत बाजी सरकार या सुल्तान बाबू रहमतल्लाब बाहर निकलते थे तो कुफार उस वक्त हिंदू लोग जो थे वो उनको देखकर कलमा पंडने लग जाते थे और सुल्तान बाबू रमोतुल्लह को बचपन से ही सरकार अली पाक के पास पेश कर दिया गया था चारा उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हुए वालदा से जांच लेकर वो वस्तूब के लिए गए थे दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि सरकार सुल्तान बाबू रहमत का जो कोई कलाम जो है साथ जो आपके पास बैठे हुए हैं है जी जरूर इनशाला सुनवाएंगे और जो बातें आपने जिक्र की हैं तकरीबन यही बात जो है वो पहले भी जिक्र हुई है और मैं अपने कॉलर आजाद से भी कहूंगा कि चूंकि इस प्रोग्राम का वक्त कम है तो मकसद की तरफ जल्दी आ जाए तो बेहतर है डॉक्टर साहब एक तो सूफिया का किरदार हमारे माशरे में जहां निगाह काम करती हो वहां अल्फाज की कैफियत क्या होगी और अल्फाज की असर अंगेजी और वो अल्फाज जो मंजूम होकर जाहिर हों उनका असर क्या होगा कि जिस तरह जिस तरफ इशारा शाह साहब ने भी फरमाया कि उसकी असर अंगेजी ये होती है कि हम उसको आज भी सुनते हैं तो ताजा लगते हैं जर्देजी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं और आपने भी माशा इबाई तौर पर बहुत ही खूबसूरत और कलमात के साथ हजरत शेख का तारफ करवाया बात यह है कि मेरे जहन में बहुत सारे वो हवाले आ रहे हैं जो हजरत सुल्तान बाहू रहम्ल के नाम से न सिर्फ मौसू है बल्कि आज भी अकीदतमंदों के लिए उनकी जिंदगी का महवर है। हैरत सुल्तान बाबू रहमतल जो पैदाइश है वो अक्सर लोगों के इल्म में है कि रमजान मुबारक की है ठीक और जाहिर के अल्लाह तबारक वाले का यह इनाम कराम होता हैलिया कराम पर अपने दोस्तों पर कि वह जिस तरह चाहें वो करामत को जाहिर करें ठीक हजरत शेख अब्दुल जिलानी रमत का रमजान में दूध न पीना वालदा साहबा से बिल्कुल वही कुछ यहाँ पर भी नजर आता है सुल्तान बाहू रमत का ये फरमान कि इस जमीन पर इस जगह मैं दुनियावी जौ खाता हूँ और काम उस दुनिया के लिए करता हूं जिस दुनिया के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है वाह 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 क्या खूबसूरत जुमला है वाह अब उनका अब ये जो अली फल्लाह चमेदी बूटी और जिस खूबसूरत अंदाज से मुख्तलिफ आवाजों में मुख्तलिफ मुख्त के साथ पढ़ते हैं मैं ये समझता हूँ कि हजरत शेख ने जो तलीमत दी है और जो कुछ लिखा है उनको आप तीन बड़े हिस्सों में तकसीम कर दीजिए ठीक है एक हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक बरह रहा शरीत से है ठीक है वो दीन का इल्म है ठीक बुनियादी उसमें आपने जो आगाज किया है वह तहारत से किया है जूस में है मिसवाक का तरीकेकार है उसमें उसमें नमाज का तरीकेकार है कुरान को रहल पे कैसे रखा जाए ठीक, और वो आदाब तक वो सारा आदि ठीक है उसके बाद आ जाती है वो मंजिल जिसको आप जिसमें आपने जो गुफ्तगू की है तसव्वुफ के अंदर जिसको अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं वो वो गुफ्तगू है जो फना और बका की है ठीक है वो आम लोगों के लिए है भी और आम लोगों के लिए नहीं भी है ठीक है बाद मामला ऐसे हैं जैसे जब आप फरमाते हैं कि जो जिक्र की बहुत सारी अकसाम है उसमें आप फरमाते हैं कि जिक्र जहरी और जिक्र खफी है। अब जो जिक्र बिलजहर है उसकी कैफियत को आप लिखते हुए बिल्कुल एक अंदाज ही अलग होता है अच्छा एक बात अर्ज करता चलू कि आपकी तमाम तालीमत में सिलसिला कादरिया नुमाया है जी और चूंकि हजरत शेख से शेख अब्दुल जिलानी से जो तुम्बत ताल्लुक और मोहब्बत है वो जगह जगह नजर आती है आपके अबियात में भी और आपकी नसर में भी जी उसके बाद आप फरमाते हैं कि तस्वुर क्या हो तस्वुर शेख जो आ, एक याद है ना कि मुर्शद की मोहब्बत में फना हो जाना फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो जाना अल्लाह तबारक ताल की मोहब्बत में फना हो जाना तो फना और बका के फलसफे पर जो कुछ लिखा और जो जज्ब की कैफियत पर बात की सालिक सलूक के मामला में बात की है और जो तसव्वुफ की बुनियादी कहना चाहिए मबादियात हैं उस पर जब आप लिखते हैं तो लिखते हुए क्या फरमाते हैं कि पूरा वजूद अब देखिए बाद लोग तो वैद्यल वजूद और वैदुलशहूद में चले जाएंगे ये उनके लिए नहीं हजरत शेख ने बड़ी सादगी के साथ लिखा है जब कोई शख्स जिक्र करता है तो उसका पूरा वजूद अल्लाह तबारक ताला के इसमें मुबारक का एक खूबसूरत नमूना बन जाता है और जब कोई बंदा कोई शख्स नफलें पढ़ते पढ़ते मेरे करीब हो जाता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है बदतवील हदीस है मैं आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है तो कहने का बुनियादी मकसद ये कि हजरत शेख ने फरमाया कि तस्वुर कैसे हो आज हम माशाला दुआएं करते हैं क्या वजह है बुनियादी वजह क्या है कि हमारी दुआओं में क्यों असर नहीं है दुआओं में इसलिए असर नहीं है कि हमने अलिया के दुआओं के तरीके को छोड़ दिया है ठीक ठीक और जब ठीक, हम बुनियादी मामला को आदाब को तर्क कर देंगे तो कुरान तो हमारे सामने है ठीक है लेकिन उसकी बरकत हमें नहीं मिलेगी ये सूफिया का किरदार बहरहाल रहा है इस इस अंदाज का। जी सिर्फ एक जुमला कहकर बात मुकम्मल करूंगा क्योंकि आपको मेरे ख्याल के अहबाब से और भी बात करनी है वो ये कि जो की बात होती है आदात की बात होती है कमालत की बात होती है तो आप फरमाते हैं कि यह किसी भी सूफी का कमाल नहीं है हुँ. किसी भी शख्स का कमाल नहीं है यह मुर्शद की निगाह नबी करीम की इतात और अल्लाह तबारक वाली की वो करम नवाजी है कि जिसको वो अता कर दे तो उस शख्स का चेहरा चमकने लगता है वाह और वा. यही वजह है कि हजरत शेख जब जहां से भी तशरीफ ले जाते तो लोग आपका चेहरा देखते हो कल मतयबा पढ़ लेते ठीक वाह और सरकार ने इसकी अलामत मोमिन की पहचान बताई कि जिसे देख कर खुदा याद आ जाए एक कॉलर हमारे साथ वालेकुम कौन और कहाँ से तस्लीम भाई कैसे आप खरीद से अल्लाह का शुक्र है कौन मैं फैसलाबाद से जी साहब फरमाइए ताल्लुक मेरा जंग से है तो आप तो आप तकरीबन वहीं के हुए सुल्तान बाहू साहब की धरती से जी इतनी आप गुप्त को आपकी समाज में कर रहा हूँ जी, जी। इतने असम तरीके से आप बोलते हैं जी एक आपसे अपना गुल्क साहब है मौका तो मुनासिब नहीं है लेकिन उनकी नात है जी वो हजूर पड़ा रहूंगा तो पड़ा से काम होगा उसके बाद अब मौका नहीं तो आपने खुद ही कह दिया ये प्रोग्राम ही हजरत सुल्तान बाहू का है एक मुख्तसर सवकफा लेंगे और वक्फे के बाद लौटते हैं प्रोग्राम आज जरत सुल्तान सुल्तान बाहू रहमा के तालुक़ से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और दो कॉलर्स जो आए हैं दोनों ही एक शोर कोर्ट से एक जंग से फैसलाबाद से तो तकरीबन वही इलाका हो गया उसी धरती से यकीन चाहने वाले और ये तो वो हस्ती हैं कि जिनके हम भी अकीदतमंद हैं और पूरी दुनिया में जिनके अकीदतमंद हैं एक तो बाहू आपके नाम का हिस्सा बन गया हु जो हर मिसरे के आखिर में आ रहा है ये किस तरफ इशारा कर रहा है ये असल में एक तो उनका नाम मुबारक है ठीक है ये नाम मुबारक नहीं होगा लकब होगा और मुझे ये लगता है ये लकब उनका अवामी है ठीक बचपन ही से उनके यहाँ रुजूल मौजूद था तो फारसी जुबान का उस वक्त मुगलों के दौर में सरकारी जुबान थी उसका हर, हर तरफ जो है ना वो शोरा था तो बा फारसी में इसका मान होता है साथ हुँ। तो हु माना इशारा है कुल वल्लाहु हद में जैसे है अल्लाह की तरफ जो तो अब इसका मतलब ये और ये जिक्र की भी एक है। मैं ये वो भी अर्ज करता हूँ तो वो जो है ना इसका मतलब ये होता है कि ये अल्लाह वाला आदमी तो ये बचपन ही से हो सकता है कि उनका नाम पड़ गया हो ठीक है एक बात दूसरी बात यह है कि जो आपने इशारा कर रहे हैं कि जिक्र की तरफ तो हु जिक्र भी है ये हजरत सुल्तान बाऊ साहब रमत की किताबें पढ़ी जाए तो ये दो चीजों को बड़ी अहमियत देते हैं एक मुर्शिद को अहमियत देते हैं और दूसरा जिक्र को अहमियत देते हैं वाह वाह। और ये जिक्र जो है ना ये हु का ये बताते हैं तो उसकी वजह से भी इम्कान है के ये है कि नाम ये नाम जो है, ना जो है हु, हो हो। अब उन्होंने अब उन्होंने इसका अपना तफरद इख्तियार कर लिया कि हु हर मिसरे के आखिर में वो लाते हैं तो ये जो वो लाते हैं तो ये उस जात की तरफ उनका इशारा है वाह ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं या जो हम देख रहे हैं या जो हमी है असल चीज जो बाकी है वो अल्लाह जला, जला तो की बात है।, है।, है वो होद जो है वो है वही अब कावज हो रबाल का वल कराम कि एक वही हस्ती ऐसी है जो फना होने वाली नहीं है बकिया सब चीजें फना होने वाली हैं तो वो लोगों का रुझान जो है वो अल्लाह जला जलालू की तरफ दिलाते हैं दूसरी बात ये कॉलर शामिल करने पहले असल भाई वाले कौन भाई वसीमान बात कर रहा हूँ कराची ऐसी जी भाई तस्लीम भाई बस मुझे इतना पूछना था की हजरत सुल्तान बाबू की शख्सियत माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत थी आ, तो बस आ, कोई ऐसी उनकी करामत बयान की जाए कि हमारे माशरे को इसला मिले और दूसरी बात हाँ जी, जी 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 आप बात कर रहे थे तो दूसरी बात यह है कि इनका रुझू जो है वो अल्लाह जला जलालू की तरफ बहुत था और ये कुछ कैफियत इनकी ऐसी थी कि ये जिधर जाते थे तो ये लोगों को अल्लाह जला जलालू की तरफ रागब करते थे वो एक बुजुर्ग गुजरे हैं वहां करोड़ में करोड़ लाल ईसन के इलाके में उनका नाम था गुलाम हसन तो वो उनको कु रास्ते में आदमी मिला रास्ते में मिला और वो था को हिंदू था तो उनको मिला और उनसे उनसे पूछा उन बुजुर्ग से वो पूछता है कि करोड़ को कौन सा रास्ता जाता है तो उन्होंने उस आदमी को ऐसे देखा तो पंजाबी जुबान में उससे कहा कि करोड़ का रास्ता बताऊं या तोड़ का रास्ता बताऊं तोड़ का मतलब ये इंतहा का, का रास्ता जो है ना वो बताऊं तो उसने ताजुब मोताजब होकर देखा तो वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने एक नजर उस पर रखी तो वो आदमी अल्लाह अल्लाह करने लग गया तो हजरत सुल्तान बाऊ साहब रहमत अलैह जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत थी पुरकश शख्सियत थी और लोगों के अंदर आवाम के अंदर उन्होंने इस्लाम को फैलाया इस्लाम की इशाद की और बेशुमार हिंदू जो उस खिते में मौजूद थे उनके ऊपर जो है ना उनके हाथ पर वो मुशरफ इस्लाम हुए खत के बाद हिंदुओं ने उनसे मुतालबा किया कि आप बाजार में ना आया करें क्योंकि आप आते हैं और हिंदू लोग भी देखते हैं तो वो सारे ला अला पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हजरत सुल्तान बाउ सा ने बाजार में जाकर अपना एक वक्त मुकर कर रखा था ताकि जिसको मेरी बात नहीं सुननी व जो ना सुने जो सुनना चाहते है जो न वो रहे तो हजरत सुल्तान बाऊ साहब रहमतल्ला ऐसे पुरकशिश वली थे और एक और बात है वो शेर के के बारे में आपने बात की कि नज्म के बारे में उन्होंने नज्म से अपने ख्याल का इजहार किया तो ये बुजुर्ग लोग जो होते हैं ये इनका सीना जो होता है वो नूर से भरा हुआ होता है लिहाजा इनके दिल से या इनके जेन से जो चीज इख्तरा होती है उस चीज में भी नूर होता है वाह चाहे वो नज्म हो चाहे वो नसर हो ठीक तो इस तरीके से अहल्लाह की जो अपनी किताबें हैं खास तौर पे जो उनके अपने हाथ की लिखी हुई हैं और वो आज भी मौजूद हैं जिस जुबान में भी मौजूद हैं उनको सामने करो तो उनसे नूर जो है निकलता हुआ एहले दिल को नजर आता है और उनको पता चलता है कि यह गीब अली की किताब है अब उनके कलाम में जो कशिश मौजूद है वो कशिश उनकी उस असल की कशिश है वो उनके दिल की कशिश है वो उनके दिमाग की कशिश है और ये वो कशिश है जो अल्लाह जलाजलालू की तरफ उनकी थी और अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ डॉक्टर साहब एक चीज जिसका मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं यह हर दौर का मसला है मेरे नजदीक के आज भी आप किसी के पास जाए तो वो ये कहेगा कि जी मैं पढ़ना चाहता हूं क्या पढ़ू मैं वजीफा पढ़ना चाहता हूं मसाइल का शिकार हूं मैं क्या करूं ये वो लोग हैं आप ये जितनी भी सूफी शख्सियात हैं इनको अगर देख लें और इनके कलाम इन्होंने अमल की सिमत बताई है जिस तरह जिस हदीस से पाक का आपने जिक्र किया कि फराइज के बाद नवाफिल पढ़े तो वो कुरब जो नसीब होता है वो उस कुरब की कैफियत कुछ और है यहाँ पर भी जो तस्बी फिरी पर मिलना फिरिया वो सारी कैफियात इनके यहां उस तरह से मौजूद हैं और सही सम दे रहे हैं कि आपको अगर सही ट्रैक पर आना है अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल करना है तो एग्जैक्टली वट टू डू यानी जिस तरफ लाना चाहे वो कर रहे हैं क्या कहते हैं आप इस ताल्लुक से सारी बातें तो आप कह ही माशाल्लाह बात सादा सी यह है, है कि ये जो औलिया कर और उनमें तौर पर हजरत शेख सुल्तान बाहू रहमत के हवाले से चूंकि ये प्रोग्राम है और उसमें गुफ्तगु हो रही है तो हजरत शेख के जो औरादाल और है और जो उनका तस्वुफ का मसलक है वो सिलसिले कादरिया है ठीक है मैंने पहले भी अर्ज किया था और कादरी सिलसिले में हजरत शेख अबुल कदर जी मतल की जो फैजान नजर है उसने सुल्तान बाहू रहम्ल के दिल को जारी कर दिया वाह वा। अब ये दिल का जारी करना ये खुद हजरत शेख ये फरमाते हैं शेख सुल्तान बाहू रहम्ल ये ऐसे है कि जब एक सालिक बैठ जाए और उसी तरह से वजू करे और उसी तरह से तवज्जो और फिर उसी तरह से हक अदा करे और आदोशाल का तो उसकी कैफियत ये होती है कि जब वो जिक्र की कैफियत में जाता है ख्वाब वो जिक्र खफी हो या जिक्र जली हो उसका एक नाम और दिया उन्होंने और वह जिक्र कलबी जिक्र कलबी का ये होता है कि अल्लाह तबारक मतलब कि इसमें मुबारक को दिल से वो महसूस करते हैं और एक ये तसव्वुर अब देखिए तसव्वुफ जो है ना ये पूरा तसव्वुरात के साथ हकायक का इल्म है ठीक। और शरीयत इसमें रहती है हर जगह अलिया कामलिन में आज इनके नाम इसलिए जिंदा है सुल्तान बाहू रहमला के या ख्वाजा महदीन चशद रहमत के या दीगर अलिया कराम के कि ये सब के सब ऊलमा थे अपने वक्त के ठीक और अल्लाह तबारक वाली ने जो उलूम फ्यूज उनको दिए हैं आज उनका हकीकी तौर पर देखने वाला नहीं मिलता और जो चीज हमारी समझ में ना आ जाए ना आए हम उसका इनकार करना शुरू कर देते हैं हकीकत यह है, है कि निगाह चाहिए वो अब मामला यह हुआ कि जब हजरत शेख ये फरमाते हैं कि जब तस्वुर में जाओ या जिक्र कल्बी में जाओ तो ऐसे महसूस करो कि अल्लाह तबारक वाली का इसमें ग्रामी तुम्हारे वजूद में छलक रहा है और फिर दूसरी बात नबी करीम इसमें ग्रामी तो तीन हिस्से आपने जिक्र के मुतय किए हैं और यह तस्वराती बात है लेकिन हकीकत में लोग देखते हैं कारी नजर आता है हकीकत में है कौर तो जब आप बैठे और आपने आंखें बंद की और तवज्जो उस तरह से की जैसे कि हक है तवज्जो का तो अल्लाह तबारक वाली तक पहुंचने के जराय नबी करीम सस्त इसमें मुबारक को आप फरमाते हैं कि मरकूज कर लो कल्ब में अल्लाह तबारक जो दिल है दिल की शक्ल को आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह लिखा हुआ है और ये जो हु फरमा रहे थे और साहब ने गुफ्तु फरमाई बात यह है कि आप ये फरमाते हैं कि जब फना और बका की मनाजिल होती हैं तो बका में जिसम कुछ नहीं हासियत रखता वाह लेकिन बका की मंजिल के लिए जिसम है कि जो वक्त दिया गया वो जो जौ की रोटी की बात कही थी, थी हाँ, वो यही बात है और कहते हैं कि जब फनो में जाता है तो ये रूह एक सिर है ये कौल है आपका और सिर का मतलब एक राज है जी। अब इस राज को तो कुरान करीम कहता है कुल रूह मिन अमरी रब्बी के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये फरमाइए कि ये जो रूह है ये अल्लाह के हुक्म का नाम है आप ये फरमाते हैं कि जो रूह का जिक्र करवा दे वो असल में अल्लाह की मोहब्बत को पा लेता है अब ये इरफान जो का जो मामला है मन फकदरफ अरबा कि जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने, उसने? अल्लाह तबारक को पहचान लिया तो मामला यह ये है कि औलिया कामल की जो मौजूदगी है हुँ. वो हमारे नजदीक ऐसी है जैसे शहदा की मौजूदगी क्योंकि सही. सब शहीद है सही, और इसमें वो वाकया मेरे ख्याल के वक्त चुके हैं शामिल कर वालेकुम अस्सलाम वालेकुम असल वालेकुम असल जी कौन सा साबर कहाँ से जनाब मोहम्मद अफजाल बोल रहा हूँ जी अफजाल साहब फरमाइए जी हजरत सुल्तान बाहुल साहब रहा आपके कलाम के मुतालिक मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपने जो अपने इब्तदाई कलाम में ये फरमाया कि अली फल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन में, में मुर्शिद लाई हूँ इसके मतलब मैं पूछूंगा कि ये जो अली फल्ला की जो बूटी है ये मन में कैसे लगती है और मुर्शिद कैसे लगाता है जो आपने ये फरमाई है वाह 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 ठीक है बहुत अच्छा सवाल लेकिन इसका जवाब अब इस मुख्तसर से वक्त में किस तरह से दिया जाए क्या कहते हैं बात यह है तो बूटी से मतलब यह है कि अल्लाह की मारिफत का जो नूर मुर्शिद के जरिए से सालिक के मुरीद के दिल में दाखिल होता है इससे मुराद वो है थीक, वो नूर मुराद आप असल आप असल बात सर्च करूंगा मैं कि हम कामलीन के अल्फाज को अक्सर और बेशतर समझ नहीं पाते और क्यों उसकी बुनियादी वजह उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने एक तो मदारस से अपना रिश्ता कम कर लिया जी जो मारिफत की बुनियादी किताबें हैं उन किताबों को पढ़ने और पढ़ाने का रुझान अब कम हो गया है हमने तसव्वुफ को कव्वाली तक महदूद कर दिया या तसव्वुफ को हमने महज चंद अकवाल तक महदूद कर दिया दरगाहों तक अंगूठियों तक देखिए ना हमने खबड़ी खत्म कर दी अल, अलहमदल्लाहमदुल्ला मैं कहता हूँ कि जो कब्रें औलिया कामलीन की हैं, वो आज भी हयात हैं इन मानों में कह रहा हूँ कि वो शोहदा हैं। और शहीद इसलिए है कि उन्होंने पूरी जिंदगी जहदो इबादत के साथ अल्लाह तबारक वाले की मोहब्बत में और नबी करीम सस्म की मोहब्बत में गुजारी और खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं किया लेकिन मामला क्या हुआ मामला यह हुआ जो आज का दौर हमारा है ये इबला का दौर जिसको हम कहते हैं इसमें सबसे बड़ी मिलत इस्लामिया की मुश्किल ये है कि इन्होंने सुल्तान बाहू की कितनी किताबें हमने पढ़ी होंगी कितने अखबाल समझे होंगे आज एक दिन बैठकर हमने तो सिर्फ ये कोशिश की है कि हम अपने अहबाब को यह बतलाएं कि यह कौन सी जात है अब बकिया औकात में हमें उनको पढ़ना है और वो किनसे मुसर हैं उनसे कौन मुतािर में तब्दीलियां कैसी आती हैं अच्छा जो दिल में बूटी लगाने की बात है वो ये है कि निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती, बदलती हजारों हाँ, की हजारों की, की तकदीर देखी अच्छा, और निगाह मर्द मोमिन रहमला ने बिला सब नहीं कहा कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें बेशक जो होकीन पैदा अच्छा, तो कट जाती है जंजीरें तो ये जंजीरें कटवाने का मामला यह है कि आज हम इसलिए गुलाम बन गए हैं अपने फिक्र के अपने नफ्स के अपनी जात के अपने आप के, के हमारे वजूद में फिरौन का एहसास बोलता है हम हम तो, अपनी नफी नहीं की हम हक तो नहीं अदा कर सकते यही बात मैं अगला सवाल भी यही है कि हम ये वो लोग थे पूरी तालीम का खुलासा आप अभी, आ, अभी आते बाहूब पढ़ लें तालीमात का जो निचोड़ है हजरत सुल्तानफीन का हम उसे आरिफाना कलाम कहते तो हैं लेकिन रस्मी तौर पर कहते हैं जो मारिफत और इरफान वहां से मिल रहा है हमने उसे कोशिश नहीं की कि उसे हम किस तरह से अपने अंदर उसे कंसीव करते हैं जो तालीमत का निचोड़ है कि जब तक अपने अना के खौल से बाहर नहीं आ जाओगे जब तक अपनी जात को भुला नहीं दोगे अल्लाह रबुल्जत का इरफान नहीं पा सकते हमारे यहां अब ऐसे लोग कहा गए आप खाल खाल ही कहीं नजर आएंगे और वो भी पर्दे में हैं, गोशा नशीनी में हैं, वो लोग कहाँ गए अब तो दिखावा ज्यादा है अना मुकदम है अपनी जात का मफाद जो है वो मुकदम है साहब मैं ये बात अर्ज करूंगा कि हजरत सुल्तान बाऊ साहब रहमत जो पैगाम दिया है लोगों को वो लोगों तक पहुंचता है अब ये कहना कि ये लोग खाल खाल हैं मैं ये कहता हूं कि बात ऐसी नहीं है अब लोग टीवी पे कहते रहते हैं किताबें पढ़ने वाले लोग खत्म हो गए हैं सर्वे करते रहते हैं तो बताते रहते हैं लाइब्रेरिया ये हो गए वो हो गए। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि टीवी पे और इन चीजों के आने से न किताब की अहमियत कम हुई इसी तरीके से अजरात सूफिया इकराम जो हैं वो उनका फैज जो है वो जारी है और लोग अल्लाह अल्ला करने वाले कसरत से इस मुल्क में भी मौजूद है बेशक है बेशक और है। ये खाल खाल हम इसलिए कहते हैं कि हम उस शोबे के अंदर जाके देखते नहीं हैं कि कितने लोग जो है किसी सूफी की खानका में बैठे हुए हैं और सिवाय इसके और कोई काम नहीं है कि वो अल्लाहु के जिक्र में लगे हुए हैं और यही सलूक के मनाजिल तय कर रहे हैं और अपनी मंजिलें तय करते हुए अल्लाह की मार्फत की तरफ जा रहे हैं थीक, थीक। मैं अपने जाति मुताले पे ये बात कह कह रहा हूँ आपसे कि ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं लेकिन मसला ये है कि हम हम आवाम जो हैं उस पीर साहब को देखते हैं जिसके पास दौलत ज्यादा हो जिसके महलात मौजूद हों हाँ। जिसकी जहरी शान और शौकत मौजूद हो जिन्नात निकालने तो में मशहूर हो तो हम वहां ये तसव्वुफ तलाश करते रहते हैं तो, तो वहां वो चीजें होती हैं तसव्वुफ नहीं होता हजरत हाँ। हाँ। मुजद अलफिसानी रहमतल्ह ने अपने मकलूबात में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की मोहब्बत और दौलत की मोहब्बत दोनों एक दिल में जमा नहीं हो सकती मैं इस बात को भी मानता हूं कि हजरत सूफिया इकराम जो साबका थे उनके पास दौलत आई आई दौलत लेकिन उनका मसला ये था गिल अंदाखतम ना दरदिल हमने उसको जमीन में गाड़ा हुआ है अपने दिलों में नहीं गाड़ा हुआ गौस बाओलाक जक्रिया मुल्तानी जो है ये एक बादशाह किस्म के वली थे और सारे वसाइल दुनिया के इनके पास थे लेकिन उस दुनिया ने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है इसलिए कि ये एक तरबियत शेख शाहबुद्दीन सोरवर्दी और दूसरे मशाक के तरबियत याफ्ता थे इनको दुनिया की हकीकत जो है वो मालूम थी तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि आज भी इस दुनिया में मौजूद है और जो अल्लाह करते हैं और रात दिन इस काम में लगे रहते हैं अपनी इस नौजवानी की उम्र में वह तहज्द गुजार हैं और बाकायदगी के साथ वो तहज्द पढ़ते हैं और अल्लाह की मार्फत में लगे हुए हैं और नौजवान है एक तो यह कि बूढ़े लोग हैं लेकिन नौजवान का भी एक बड़ा तबका का इस तरफ तकरीबन वक्त खत्म हो रहा है दो तीन जुमले आखिरी इसी तुक बस एक ही बात आपका मुशाह क्या है जी मेरा सा मुशाह यह है एक सीधा सा कि अलिया ग्राम की बारगाह में जाना और तसवफ से नस्बत और ताल्लुक असल में नबी करीम से, से मोहब्बत और ताल्लुक का जरिया है ठीक है और बहुत सादा सी बात यह है कि आज मिलत इस्लामिया का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम औलिया कराम को जिस तरह हम वली को समझना चाहते हैं ना कि वली अगर आसमान पर ना उड़े या कोई करामत ना दिखलाए तो वो वली नहीं ये हमारा जो अवामी तस्वूर है ये गलत है वली सबसे बड़ा वो है जो शरीय का पाबंद हो और दूसरी बात अर्ज करूं कि आज सबसे बड़ा मामला यह है कि हजरत सुल्तान बाहू रहमत या इसी कबील के दीगर बुजुर्गान दीन की तालीमत का अगर हम अज खुद ही मुताल शुरू कर दें और जहाँ मुश्किल हो सही वहाँ हम उलमा की तरफ रजू करें और वो तसव्फ जानते हों और जो सही ताबीर तशी कर सकते हो समझा सकते हो बहुत हो तो मेरा ख्याल है मसला हल हो सकता है बहुत शुक्रिया सईद शाह हुसैन गर्देजी साहब आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अहमद खादी साहब आपका बहुत शुक्रिया ्फ़ार हुसैनी इनशाला आखिर में अभी आते बाहू में से चंद अकतबास पेश करेंगे और वो कॉलर्स जो इंतजार में रहे और हम उनकी कॉल शामिल नहीं कर सके मुझे कहा गया है कि ये जरूर ऐलान कर दिया जाए कि ये जरूर बता दिया जाए कि बहुत से कॉलर्स जो हैं वो बात करना चाह रहे थे लेकिन हम बात नहीं कर पाए बहुत शुक्रिया आपका और जो पैगाम यकीनन इन स्कॉलर हजारात के हैं वही इस प्रोग्राम का निचोड़ है और हजरत सुल्तानुल आरफीन यही इरफान अदा कर रहे हैं यही फहम यही शुर अदा कर रहे हैं अपनी अबियात के जरिए अपनी सैकड़ों कुतुब के जरिए कि अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपनी ज़ात को खत्म करना होगा अपने अंदर से वो मैं खत्म करनी होगी अना का खौल खत्म करना होगा अपनी जत को मिटाना होगा और गुम हो जाना होगा उसकी ज़ात में अपने मेजबान तस्लीम अहमसाबरी को इजाजत दीजिए तस्वीमा सुन फरिया पीरा दया पीरा मेरी, मेरी अर्ज ਪਰਾੰਦੇ ਬੇੜਾੜਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਪਰਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਚਨਾ ਹੈ सुबहानी मेरी दे खबर मन मेरा फ़क् बगदाद, बगदाद शहर